तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे अपने ही चैनल एवरीथिंग नॉलेजेबल में। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे परफ्यूम मीन्स फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते ही देखते बहुत जल्दी हम यहाँ पे लगभग 60 से 70% टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे हर एक आपको वीडियो सही और सही सीरियल वाइज में आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट में हमें यहाँ पे कुछ ड्रग्स का नाम पढ़ना होगा। कुछ ड्रग्स यहाँ पे पेपरमिंट ऑयल है, लेमन ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, सैंडलवुड ऑयल है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट में सरल भाषा में बता देता हूँ। परफ्यूम ये होता है एक लिक्विड होता है विद ए स्वीट स्मेल दैट यू पुट ऑन योर बॉडी टू मेक योर सेल्फ स्मेल नाइस। ऐसा एक होता है, एक प्लीजेंट से स्मेल होता है। मोस्ट इसमें ऑयल, जितना ज़्यादा इसमें ऑयल रहेगा उतना ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। हिंदी में इसे इत्र कहते हैं, इत्र, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। एंड फ्लेवरिंग एजेंट ये हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया एज एन यूज एज एन एडिटिव टू एनहेंस मॉडिफाई द टेस्ट एंड द अरोमा ऑन नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स में। अगर ये न्यूट्रल फूड प्रोडक्ट्स में अगर कुछ अरोमा जैसा है, मतलब अच्छा सा टेस्ट एक मॉडिफाई कर देता है फ्लेवर जैसा, उसे कहते हैं। जैसे कि स्वादिष्ट बनाने की कोई मसाला हो गया, इंग्रेडिएंट हो गया वो। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स का। एनी सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक, यानी कि केमिकल प्रोसेस, नॉट नेचुरल, कृत्रिम, जैसे सिंथेटिक को कृत्रिम कहते हैं। एनी सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल और ए कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन से, एम्प्लॉयड फॉर क्रिएटिंग, बना है किस लिए, ऑर्डर, प्लेजेंट ऑर्डर परफ्यूम, मतलब ये क्रिएट करने के लिए, उसी को हम यहाँ पे परफ्यूम कहते हैं। बहुत सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन है। फ्लेवरिंग एजेंट का देखिए, द फ्लेवरिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट। ये आपका जो बदबूदार कोई मतलब नेचुरल था, मतलब न्यूट्रल था खाना है, उसका टेस्ट बदलने के लिए हम यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल है लेमन ऑयल। लेमन का सिनोनिम होता है लेमन, लेमन ऑयल का सिनोनिम है लेमन। बायोलॉजी के कहना कहाँ से आता है देखिए, इट इज़ वॉलेटाइल ऑयल ऑब्टेन बाई एक्सप्रेशन मेथड, एक्सप्रेशन मेथड से आता है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट फ्रॉम द फ्रेश पील ऑफ राइप और नियरली राइप फ्रूट्स ऑफ सिट्रस लेमन, यानी कि लेमन से ये डिराइव होता है हमें बायोलॉजिकली। फैमिली है इसका रुतिएसी, रुतिएसी इसका फैमिली है। कलर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो कलर यहाँ पे आ जाता है हमारा पेल येलो और ग्रीनिश येलो। आप जानते ही हैं एक लेमन नींबू, यानी कि नींबू का कलर होता है पेल येलो या फिर ग्रीनिश येलो। ऑर्डर होता है रेमिनिसेंट ऑफ लेमन, रेमिनिसेंट ऑफ लेमन यानी कि फ्रेगनेंस ऑफ प्योर लेमन। ऑर्डर इसका जो महक आती है बहुत फ्रेगनेंस ऑफ प्योर लेमन का आता है। टेस्ट है इसका एरोमेटिक टेस्ट है। केमिकली क्या कंस्टिट्यूट करता है, टर्पिन्स, लिमिनोलिन, जेरेनोलिन, सिट्रोनेलाल, हेस्पेरिडिन, पेक्टिन, कैल्शियम ऑक्सलेजन, बीटर सब्सटेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे एक बीटर सब्सटेंस भी आपको यहाँ पर, अगर आप उसके पील खाते हैं तो आपको एक बीटर सा टेस्ट आता है। नेक्स्ट है आपका यूजेस, यूजेस कहाँ पे होता है देखिए, ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट इन परफ्यूमरी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेमन ऑयल, एंड प्रिपरेशन ऑफ लेमन ऑयल में यूज़ होता है। केमिकली टेस्ट इसको कैसे करें हम, यहाँ पे देखिए, एड थ्री वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इन वन वॉल्यूम ऑफ रिसेंटली एक्सप्रेस ऑयल, इट इज़ न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक टू लिटमस पेपर। देखा आपने, लिटमस पेपर को स्लाइटली एसिडिक कर देता है। नेक्स्ट है आपका लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल यानी कि नींबू का जो टहनी होती है, उसकी जो पत्तियाँ होती है, उसका जो तेल बनता है, उसे कहते हैं लेमन ग्रास ऑयल। तो यहाँ पे सिनोनिम है इसका जारा कुश, सिनोनिम है लेमन ग्रास ऑयल का जारा कुश। बायोलॉजिकली कहाँ से आता है, इट इज़ वॉलेटाइल ऑयल, ये वॉलेटाइल ऑयल है ना यहाँ पे, तो ये सब वॉलेटाइल ऑयल है। ऑप्टेन बाई स्टीम डिस्टिलेशन, ये कहाँ जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन से, स्टेम डिस्टिलेशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ काइम्बोपोगन फ्लेक्सोस से आता है ये। उनका फैमिली है ग्रामीनी, फैमिली है इसे ग्रामीनी। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं लेमन ग्रास कैसे इसका डंटी है यहाँ पे ग्रास से उपलब्ध होता है हमें। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका कलर आ जाता है येलोइश ब्राउन, कलर आपका यहाँ पे येलोइश ब्राउन कलर का है। ऑर्डर है आपका कैरेक्टरिस्टिक, टेस्ट है आपका एरोमेटिक एंड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की बात करें, यहाँ पे इट कंटेन वॉलेटाइल ऑयल, द चीफ कंस्टिट्यूएंट, चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ वॉलेटाइल ऑयल यहाँ पे सिट्रल, यानी कि सिट्रल यहाँ पे ये है, क्या बता देता हूँ मैं, ये एक अरोमा कंपाउंड है यूज्ड इन परफ्यूमरी फॉर इट सिट्रस इफेक्ट, इसका जो सिट्रस इफेक्ट होता है उसके लिए ये परफ्यूमरी में यूज होता है। इट ऑल्सो कंटेन मिथाइल हेप्टेनॉल नैरोल
सिट्रोनेलॉल, डिटरपाइंसिन, ग्रेन, ये सब कुछ केमिकल्स हैं में कॉन्स्टिट्यूंट रहते हैं। यूजेस आप देख सकते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, ये फ्लेवरिंग एजेंट एज इन परफ्यूमरी दोनों में यूज़ होता है, परफ्यूमरी एंड एज वेल एज बोथ फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल में ज़्यादा बात करें, ऑरेंज जो खाते हैं हम संतरा, उसका तेल, इसका सिनोनिम है स्वीट ऑरेंज ऑयल। स्वीट ऑरेंज ऑयल का सिनोनिम है। बायोलॉजिकली हमें कहाँ से आता है ये मिलता है? बायोलॉजिकली इट इज़ ए वॉलेटाइल ऑयल, ये भी वॉलेटाइल ऑयल है, ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश ऑरेंज पील्स ऑफ स्वीट ऑरेंज सिट्रस सिनेसिस। तो देखा आपने, पील्स ऑफ स्वीट ऑरेंज, मीठा नींबू जो मीठा संतरा होता है उसका सिट्रस सिनेसिस में ये उपलब्ध होता है। फैमिली है इसका रोटेसी, फैमिली इसका भी रोटेसी है। मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली इसका कलर होता है येलो, तो येलो इस ब्राउन कलर का होता है। ये ऑर्डर होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, टेस्ट होता है एरोमेटिक एंड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें केमिकल की, क्या कंस्टिट्यूट करता है? कंटेंस वॉलेटाइल ऑयल, द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ वॉलेटाइल ऑयल लिमोनिन सिट्रल, जैसे कि मैंने पहले बताया था सिट्रल एंड सिट्रोनिलाल, हेस्पेरिडिन, आइसो हेस्पेरिडिन, नेहो हेस्पेरिडिन, विटामिन सी एंड पैक्टिन। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे विटामिन सी का भी यहाँ पे आपको केमिकली मिलता है। यूजेस क्या है यहाँ पे? एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, एंड ये भी दोनों परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट दोनों में यूज होता है, एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज ऑयल में भी यूज होता है। केमिकली टेस्ट कैसे करें इसे? सोल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑरेंज ऑयल इन डिहाइड्रेटेड एल्कोहल इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, न्यूट्रल टू लिटमस पेपर यहाँ पे करता है। तो ऐसे हमें केमिकली आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल देखा होगा आपने, मेंथा ऑयल जिसे मेंथा सिलिना में इसका मेंथा ऑयल, पेपरमिंट ऑयल हम बात करें तो यह है सिलिना में इसका मेंथा ऑयल। बायोलॉजिकली कहाँ से आता है ये देखिए, बायोलॉजिकली सोर्स है इसका, इट इज़ ऑफ ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि लिक्विड इन करेंट ऑफ स्टीम, ऑफ ए लिक्विड ऑफ करेंट ऑफ स्टीम से हमें पाया जाता है। ऑफ द फ्रेश लीव्स ऑफ फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एरियल पार्ट ऑफ द मेंथा पिपरिटा। देख सकते हैं मेंथा का जो मेंथा ऑयल जो कहाँ से आती है हमें, फ्लावरिंग टॉप की जो पत्तियाँ हैं उन पत्तियों से हमें ये मेंथा ऑयल कब मिलती है यहाँ पे, पेपरमिंट ऑयल। फैमिली है इसका लेबिएटी, फैमिली है इसका लेबिएटी। नेक्स्ट बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी में कलर आ रहा है यहाँ पे, कलरलेस होता है या फिर येलो कलर का होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। कलरलेस एक वाइट में है और एक ये इसमें है और येलो आता है। ऑर्डर है इसका कैरेक्टरिस्टिक और प्लीजेंट, बहुत अच्छा टेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है पंजेंट फॉलोड बाय कूलिंग सेंसेशन। बात करें यहाँ पेपर मिंट के, यहाँ पे मिंट है तो यहाँ पे कूलिंग सेंसेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन 70% अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, एंड ईथर एंड क्लोरोफॉर्म एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। 70% अल्कोहल क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि आप 100% आप जो अल्कोहल का कंसनट्रेशन है उसको आप 100 ml तक ये करें, उसमें से 30 ml आप निकाल दें एंड 30 ml उसमें पानी ऐड कर दें, वो होता है आपका 70% अल्कोहल। समझिए, ये एक खास आपको एक नॉलेज दे दिया एक्स्ट्रा से। ईथर एंड क्लोरोफॉर्म एंड इंसोलिबल इन वाटर, इंसोलिबल इन वाटर होता है ये वाला ऑयल। केमिकली क्या कंस्टिट्यूट करता है देखिए यहाँ पे, इट कंटेन्स वॉलेटाइल ऑयल, द चीफ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ वॉलेटाइल ऑयल एल मैंथॉल, चीफ कंस्टिट्यूट यहाँ पे कंसिस्ट करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैंथॉन, मैंथोफ्यूरन, जैसमिन, मेंथाइल, मेंथाइल एसिटेट एक्सेट्रा। केमिकली यूजर्स इसका, इट हैज़ माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि माइल्ड एंटीसेप्टिक यहाँ पे इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में प्रिवेंट करता है। इट हैज़ इट इज यूज इन टूथपेस्ट, पाउडर, शेविंग क्रीम, सिगरेट, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। टूथपेस्ट में आप जानते हो कि मिंट सा फ्लेवर आता है, वो यहीं से आता है। तो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ च्यूइंगम, च्यूइंगम उसमें यूज़ होता है। इसके बाद में है यहाँ पे एरोमेटिक है, कार्मिनेटिव है, यहाँ पे स्टिमुलेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट एंड काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट यानी कि समथिंग सच एज हीट, काउंटिंग सबसे हीट और एन ऑइंटमेंट दैट इज यूज इन द सर्फेस ऑफ स्किन। जैसे हम स्किन पे कहते हैं कि मतलब कुछ हीट, मतलब यानी कि एग्जाम्पल मूव यहाँ पे ले सकते हैं हम, यहाँ पे काउंटर इरिटेंट में यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल का यहाँ पे देखिए चंदन, यहाँ पे यानी कि चंदन आप सब जानते होंगे, चंदन का तेल जिसे कहते हैं। सो सिनोनिम में इसका चंदन उड, सिनोनिम में इसका चंदन उड, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं चंदन वहाँ पे है, उसकी लकड़ी है वहाँ पे उल, ये कहाँ उल ऑयल कहाँ से बायोलॉजिकली हमें मिलता है? आप देखिए बायोलॉजिकली हमें ये मिलता है, इट इज ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन फ्रॉम ड्राइड हर्ट उड, यानी कि एकदम इनर उड, एकदम इनर उड ऑफ सेंटलम एल्बम, ये एक पेड़ है सेंटलम एल्बम, उसके एकदम
इनर वुड में जाके हमें ये सब चंदन मिलता है। फैमिली है क्या? सेंटिलेसी फैमिली, सेंटिलेसी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली कलर यहाँ पे आता है येलोइश और पेल रेडिश कलर आता है। ऑर्डर स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेग्रेंट, बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग इसका एक फ्लेवर मतलब स्मेल आता है फ्रेगरेंस से भरा हुआ। टेस्ट है इसका स्लाइटली बिटर, हल्का सा ये तीखापन होता है। केमिकली क्या होता है इसमें देखिए, सैंडलवुड कंटेंट टू आइसोमेरिक सेस्क्विटरपाइंस अल्कोहल ए सेंटोलल एंड बीटा सेंटोल अल्फा सेंटोलल एंड बीटा सेंटोलल ऑल्सो कंटेन एल्डिहाइड सेंटोलल कीटोन सेंटेनन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो कंटेन सेंटेन टेरासेंटोल सेंटेनॉन एंड सेंटिलीन। केमिकली आपको 3 से 4 अब लर्न करें तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। यूजेस की बात करें तो यूज़ कहाँ पर होता है? यूज ऐसे परफ्यूम इन कॉस्मेटिक एंड इंसेंस से, यानी कि अगरबत्तियों में यूज़ होता है एंड परफ्यूम के तौर पे इन कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। यूज इन सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ डाइस्यूरिया, डाइस्यूरिया यानी कि बर्निंग ऑफ यूरिन। यहाँ पे आपका अगर यूरिन या फिर अगर जब यूरिन करने जाते हैं आप टॉयलेट करने, तो आपका अगर यूरिन में अगर आप इनका बर्निंग होता है सेंसेशन, वहाँ पर आपका ये यूज़ होता है। सो देखा आपने बहुत सा सिंपल्स यहाँ पे परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। होप आपको ये वीडियो हेल्प कर दी हो, हमारा लेक्चर आपको हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प करे तो प्लीज़ आप इसे अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प करे। मैं तो मानता हूँ शेयरिंग अगर नॉलेज अपने शेयर करते हैं आपके खुद की नॉलेज यहाँ पे आपकी इंक्रीज होती है। तो आप मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि आपके फार्मेसी बडीज़ हैं, वहाँ पर शेयर कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।